hello friends welcome all of you in the channel easy easy life i'm nisha roda today we are going to discuss about a brief introduction of english literature uh, we are talking about the history of english literature uh, there is uh, one or two books which i have considered to make this video an outline history of english literature by surjit publication which is uh, mostly used in uh, uh, universities uh, let me talk about brief history of english literature first of all i must say that uh, the period of english is uh,

ब्रिटेन्स नाम का एक प्लेस हुआ करता था और यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ जो है वो रहा करती थी और यहाँ पर यानी जैसे ये सेक्शंस हैं सेक्शन ज्यूट्स इस तरह से जो है जो कबीले जो होते थे या एक तरह से जो जातियाँ थी वो रहा, रहा करती थी और जो सेक्शंस हैं ये प्रेजेंट जर्मनी का पार्ट है सेक्सिन सेक्सनी कहा जाता था इसे और ये वहाँ के ही रहने वाले थे इनके ऊपर उस जो ब्रिटेन जो प्लेस है इनका होल्ड था फिर वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में नॉर्मन विक्ट्री होती है नॉर्मन नॉर्मन जो है वो नॉर्मैंड एक प्लेस है फ्रांस का यहाँ पर एक विक्ट्री होती है नॉर्मन जो है वो इस ब्रिटेंस के पार्ट पर आकर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले रहते थे वो एंग्लोस थे सेक्सनस थे या ज्यूट्स थे और इनके ऊपर रोमन्स का जो ना काफ़ी इम्पैक्ट था रोमन इनको काफ़ी परेशान किया करते थे फिर धीरे धीरे जब यहाँ से रोमन्स चले गए तो उसके बाद में ये नॉर्मन्स का जो इम्पैक्ट इनके ऊपर आना शुरू हो गया था और फिर नॉर्मन्स यहाँ पर रहने लग गए थे तो यहाँ पर जो उस टाइम पर जो ड्यूक था वो था एल विलियम जो नॉर्मैंड और ब्रिटेंस के ऊपर होल्ड करता है यहाँ का जो है वो अगला किंग बनता है इसे वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है खैर हम बात करने वाले हैं सेकेंड ड्रेड आर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिटरेचर की हिस्ट्री को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही मतलब जो इनका जो टाइम पीरियड है उससे ही मिल जाते हैं ठीक है ठीके? और हमें पर्टिकुलर ओल्ड सेक्शन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है हमें जो इनके आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल एज लिटरेचर विच इज़ हेल्ड ऑन वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स टू फिफ्टीन हंड्रेड यानी कि इसे मिडिल एज लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि अभी तक ये जो ओल्ड सेक्शन uh, जो लिटरेचर था ये काफ़ी मतलब इसके ऊपर जो इम्पैक्ट था लिटरेचर का वो रोमन्स वाला ग्रीक वाला ही था ठीक है और उसके अगर आप इनकी जो uh, इसे डार्क लिटरेचर साइड भी कहा जाता है डार्क एज भी कहा जाता है ओल्ड uh, सेक्शन uh, जो पीरियड था उससे पहले जो चल रहा था फिर ओल्ड सेक्शंस के बाद में जब ये एक के बाद में जब थोड़ा एरा आगे ग्रेजुअल बढ़ता है चेंज होता है तो इसे मिडिल एज इंग्लिश कहा जाता है क्योंकि अब तक जो लिटरेचर के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज का भी आ चुका था इसमें भी काफ़ी लिटरेचर लिखा जा रहा था और इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा था ठीक है तो इनकी अगर अपने ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इनमें काफ़ी सारे वर्ड्स अगर आपने हिस्ट्री पढ़ते हैं डिटेल में कभी पढ़ा तो मैं तो आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब लिटरेच इंग्लिश की जो लैंग्वेज है जो लिटरेचर जो है वो भरा हुआ है पूरी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स स्पेनिश वर्ड्स भी हैं इसमें इटालियन वर्ड्स भी हैं ग्रीक वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो ये ओल्ड इंग्लिश की बात है लेकिन धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश जो लिटरेचर है वो काफ़ी चेंज हो गया था और इसमें हम बात कर, कर चुके हैं कि अर्ली मिडिल या एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी इसे कहा जाता है एक से 1340 का जो टाइम रहता है और उसके बाद में शुरू होती है एज ऑफ चौसर जो है 1340 से 1400 तक आती है इसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेंसा भी कहा जाता है फादर ऑफ रिनंेंसा भी कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और हम इसे कैंटरबरी टेल्स जो इन्होंने ए प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स इन्होंने जो अपना एक जो बहुत अच्छा जो क्रिएशन लिखा है उसके अलावा भी जो क्योंकि ये एक पब्लिक फिगर थे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे इनको लोगों के बीच में रहने का मौका मिला और लोग इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं ठीक है अगर हम बात करें मिडिल अर्ली मिडिल या एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स के तो हम एक आ, राइटर के नाम के बारे में भी पढ़ते हैं विकलीफ के जॉन विकलीफ जिन्होंने बाइबल आ, लिखा था इंग्लिश में तो ये बहुत आ, उनके बारे में कम जानकारी मिलती है लेकिन चौसर के बारे में हमें जानकारी क्यों मिल जाती है क्योंकि इस टाइम पे जो किंग थे एडवर्ड थर्ड ये उनके कोर्ट uh, uh, में कैसे एक एज ए सर्वेंट वहाँ पर दाखिल होते हैं और धीरे धीरे जो वहाँ पर जो सिविल वार जब चल रहा होता है है ना तो उस टाइम पे ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि उसमें फ्रक हो जाते हैं और फिर जो किंग है वो uh, इनको कैसे ना कैसे बहुत uh, मतलब uh, इनके लिए काफ़ी पेमेंट uh, करके या कैसे भी करके इनको वहाँ से फ्री ऑफ करते हैं और uh, काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स उनके साथ में डेवलप करते हैं खैर हमें यहाँ पर चौसर के बारे में भी बात नहीं करनी है हम पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथन लिटरेचर के बारे में यानी कि जो रेनिंसा पीरियड है उसके बारे में रेस्टोरेशन के बारे में विक्टोरियन पीरियड मॉडर्न पीरियड एलिजाबेथन एज इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमारा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए तो हम बात कर रहे थे पोइट्री इज़ बेस्ड ऑन गॉड यानी कि इस टाइम पे जो पोइट्री लिखी जाती थी वो ज़्यादातर गॉड के ऊपर ही लिखी जाती थी तो रिलीजियस पोइट्री थी एक तरह से और फिर आता है एज ऑफ रिवाइवल जिसे फोर्टीन फोटीन हंड्रेड से फिफ्टीन फिफ्टी तक का टाइम कहा जाता है ये वो टाइम था जब थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे जो है वो इटालियन uh, uh, जो मेथड्स हैं इटालियन तरीके जो है पोइट्री के वो इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लैंड में सोनेट से हम सब वाकिफ़ हैं तो थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे बहुत जाना पहचाना नाम है जो इटालियन लिटरेचर को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और साथ में वहाँ की जो uh, चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और इंग्लिश में तो यूज में लेके आते हैं अब हम बात करते हैं ये जो एलिजाबेथन लिटरेचर है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आ रहा है रिनेंसा में जो चार पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑफर्स ऑफ़ एलिजाबेथन लिटरेचर यानी कि इस टाइम पे जो क्वीन थी वो एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी जिनका जो सिंहासन पे थ्रोन पे रहने का जो टाइम पीरियड है वो 1558 से 1603 तक होता है और इस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड था एलिजाबेथ का जो एज माना जाता है ये रॉयल्टी पे आ, मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल्टी को इसमें दिखाया गया है प्रॉस्पर पी प्रॉस्पर्स पीरियड था अपने आप में अगर हम कंटेम्प्रेरी बात करें तो उस टाइम पे इंडिया इन में क्या कंडीशंस चल रही थी सिक्सटीन हंड्रेड थ्री तक जब ये रहती हैं तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ई आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिक्सटीन हंड्रेड में यहाँ पर आती है इस्टेब्लिश हो चुकी थी क्राउन के ऊपर मतलब पूरा होल्ड हो जाता है ना ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के बैकग्राउंड में इंडिया के बैकग्राउंड में पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के तौर पर पढ़ते हैं जब ये सब चल रहा होता है फिफ्टीन 15... फिफ्टी से सिक्सटीन हंड्रेड थ्री तक एलिजाबेथन लिटरेचर रहता है और इसके बाद में हम बात करते हैं देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो देखिए हमने बात की कि रॉयल्टी और प्रॉस्परस पीरियड होता है यहाँ के जो फेमस पोइट होते हैं एलिजाबेथन एज़ के वो है विलियम शेक्सपियर है एडमंड स्पेंसर है जॉन ड्राइडन है क्रिस्टोफर मार्लो है ये सब हमने ग्रेजुएशन में या पीजी में पढ़ा होता है इनके बारे में जैसे शेक्सपियर के बारे में तो बहुत सारी इन्होंने वन फिफ्टी फोर सोनेट्स अराउंड लिखी हैं थर्टी सेवन प्लेस भी लिखे हैं स्पेंसर ने भी बहुत कुछ लिखा है जॉन राइडन का भी एप्सलम एक्टोफिल के नाम से बहुत फेमस क्रिएशन है और क्रिस्टोफर मार्लो का भी बहुत फेमस क्रिएशंस हैं इसके बाद में आती है मेटाफिजिकल पोएट्री मेटाफिजिकल पोइट्री को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज ऑफ जेकोबियन एज इस टाइम पे जो किंग थे वो जेम्स फर्स्ट थे और इनका जो टाइम पीरियड था सिक्सटीन हंड्रेड थ्री टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव रहता है एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैरोलाइन पीरियड विच इज़ विच वॉज ऑन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन फोर्टी नाइन एंड दैट टाइम किंग्स ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड There was चार्ल्स फर्स्ट ऑन द accession. ये चार्ल्स फर्स्ट जो होते हैं वो किंग होते हैं इंग्लैंड के नेक्स्ट हमें इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्योरेटन पीरियड को प्योरेटन पीरियड जो है वो सिक्सटीन फोटी से सिक्सटीन सिक्सटी का टाइम पीरियड माना जाता है और इस टाइम पे ऑलीवर क्रॉमवेल जो uh, बहुत एक बड़े कमांडर होते हैं एक तरह से वो डिफीट करते हैं किसकी आर्मी को डिफीट करते हैं किंग की आर्मी को चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी को डिफ़ीट करते हैं बैटल ऑफ नेजबाई के और 1658 में क्रॉमवेल की खुद डेथ हो जाती है और उसके बाद उनका जो बेटा है वो इंग्लैंड के ऊपर राज करता है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द एज ऑफ मिल्टन जो कि लिखते हैं एक बहुत बड़ा एपिक विच इज़ वेरी वेल नोन दैट इज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इसके बाद इन्होंने एक लेसिडस नाम से पोइम भी लिखी है ये रेस्टोरेशन पीरियड से ही बिलोंग करते हैं और इनका जो जेनर है वो रीजन और फॉर्म्स को बताने वाला होता है ठीक है ये बिलोंग उसे से करता है लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है पॉइंट का तो इसको अलग से मैंने इसको स्टार अप किया है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नियो क्लासिकल एज इच इट इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड इसको डिवाइड करते हैं जब एज ऑफ ड्राइडन जिसके बारे में हमने बात की आ, है ना और इनका जो टाइम पीरियड है इज ऑफ सिक्सटीन से सेवनटीन तक रहता है नियो क्लासिकल एज न्यो क्लासिकल एज में टर्म में क्या चेंजेस आते हैं कि ये क्लासिकल का शो ऑफ है कि हाँ हम एक क्लासिकल जैसे एक uh, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम माने कि अगर आप वेल वेल सेटल्ड हैं यू हैव सच गुड गुड स्टेटस है ना अगर आप एक हाई हाई प्रोफाइल बिल ऑफ से बिलोंग करते हैं या एक हाई प्रोफाइल स्टेटस फॉलो अप करते हैं तो एक शो ऑफ वाली चीज़ें आ जाती हैं जस्ट Oh. रीजन है वैसा ही कुछ नियो क्लासिकल के टाइम पे ही था तो एज ऑफ ड्राइडन जो है वो 1660 से 1700 तक रहती है जिसे रेस्टोरेशन पीरियड भी कहा जाता है एंड देन इट इज आल्सो डिवाइडेड इन द एज ऑफ पॉप अलेक्जेंडर पॉप और इसे ऑगस्टन एज भी कहा जाता है 1700 से 1745 तक ये टाइम पीरियड रहता है फिर आता है रोमांटिक एज प्री रोमेंटिक एज प्री रोमांटिक एज जो है वो सेवनटीन से नाइनटी है वैसे इसे प्री रोमेंटिक नहीं कहना चाहिए रोमेंटिक uh, एज पूरा ही है ये लेकिन इसमें आप एक सीनियोरिटी के हिसाब से देख सकते हैं जैसे कुछ पोइट्स जो हैं वो पहले अच्छे से जो भी चीज़ें लिख रहे होते हैं वो पीरियड ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है या ट्रेडिशनल पोइट्री को फॉलो किया जाता है फिर जैसे 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 जनरेशन चेंज होती है थोड़े थोड़े नए पोइट्स जब आते हैं तो वो एक हटकर जो एक लीक से हटकर जो काम करने ला लगते हैं तो वो रोमांटिक कहलाए जाते हैं तो प्री रोमांटिक भी इसे कह सकते हैं सेवनटीन से सेवनटीन के टाइम को पीरियड ऑफ सेंसिबिलिटी और ट्रेडिशनल पोइट्री वॉज रिटन एट दैट टाइम एंड देन वी डिस्कस अबाउट रोमैंटिकवनटी नाइनटी एट से एटीन से थर्टी सेवन समवेयर इट इज डिस्क अबाउट दैट सेवनटीन एटी फाइव से एटीन थर्टी टू तक ये रोमांटिक uh, होता है वो इसलिए है कि सेवनटीन नाइन्टी एट में लिरिकल बैलट लिखा गया था और ये बहुत कोलेबोरेटिंग uh, कलेक्शन uh, थी एस्ट्री कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की और uh, इसमें नेचर पोइट्री को काफ़ी बताया गया विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज नेचर पोइट्री ठीक है फिर आ, फिर है विक्टोरियन एज विच इज़ फ्रॉम 1837 थर्टी सेवन टू नाइनटीन और ये जो टाइम था ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम था इसमें सोसाइटी बेस्ड लिटरेचर लिखा गया है यानी कि बहुत ही आ, आ, डाउन टू अर्थ कंडीशंस को फॉलो किया गया है जिसमें चार्ल्स बेकिंस हैं थॉमस आरडी है जेन ऑस्टन है जॉर्ज एलियट है ऐसे पॉइट्स इसमें आते हैं देन वी टॉक अबाउट मॉडर्नाइजिचेज ऑफ इज़ ऑफ 1901 टू 1945 1901 का जो टाइम था वो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड इस टाइम के फेज में आते हैं और इस टाइम के फेमस जो पॉइट्स हैं वह टी एस एलियट वर्जीनिया वुल्फ डब्ल्यू बी बीट्स डब्ल्यू एच ऑर्डन एंड जेम्स जॉय और उसके बाद 1945 के बाद में जो भी पीरियड में जो लिखा गया है विच इज़ नॉन एज पोस्ट मॉडर्न एज 1945 फोर्टी तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते एक नई और वीडियो के साथ अच्छे अच्छे तरीके से हम इसको आगे कंडक्ट करेंगे सभी एजेस को थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर द कंटेंट रीडिंग जो भी आप पढ़ते हैं या इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच